प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। परसाशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में ले चल प्रभु तेरी राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे घर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने। आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज माता कलीसिया के साथ मिलकर हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे पुरोहित और शहीद की स्मृति मना रहे हैं। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और कुछ इसी प्रकार का जीता जागता उदाहरण संत मैक्सिमिलियन कोल्बे ने हमारे लिए रखा। उन्होंने अपने मित्र के लिए, अपने साथी के लिए, जो कि एक कारागृह में जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे थे, उनके बदले मरना स्वीकार किया। क्या हम इस प्रकार का आत्मत्याग करने के लिए तैयार हैं? आइए हम अपने आप का अवलोकन करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से उन सभी लोगों को याद करें जिनको हम प्यार नहीं कर पाते, जिनको हम स्वीकार नहीं कर पाते, जिनसे हम बात बात पर या पग पग पर चिढ़ते रहते हैं। हम उनको स्वीकारें, प्रभु को समर्पित करें। हो सकता है ऐसे लोग होंगे जो हमको प्यार नहीं कर पाते, हमको स्वीकार नहीं कर पाते, उन्हें भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। क्षमा करें, क्षमा मांगें, मेल मिलाप हृदय से प्रभु के पास आएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने सब सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर निष्कलंक कुवारी मरियम के प्रति प्रेम से प्रज्वलित पुरोहित और शहीद संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को तूने आत्माओं के प्रति उत्साह और पड़ोसी के प्रति प्रेम से भर दिया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम पर ऐसी कृपा कर कि हम तेरे महिमार्थ मानव जाति की सेवा में कठिन परिश्रम करें और तेरे पुत्र के सदृश दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पित करें। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। आमीन।
प्रभु आप हृदय में आपकी जीवा पर हो ताकि आप प्रभु के वचन को सुना सको। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्य संख्या 1-7 और अध्याय 10 वाक्य संख्या 18-22 तक। मैंने प्रभु को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, जो नगर को दंड देने के लिए नियुक्त है वे विनाश के शस्त्र हाथ में लिए निकट आ रहे हैं। इस पर उत्तर के ऊपरी फाटक से होकर 6 व्यक्ति आ गए। नगर का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र थे। उनमें से एक छाल्टी के कपड़े पहने था और उसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी। वे आकर पीतल की वेदी के पास खड़े हो गए। तब इसराइल के ईश्वर की महिमा जो केरबों के ऊपर विराजमान थी ऊपर उठकर मंदिर की दहली पर आ गई। प्रभु ने छाल्टी के कपड़े पहने मनुष्य से जिसके कमरबंद में लेखन सामग्री की थैली लटक रही थी कहा, नगर के आर पार जाओ, सारे यरूशलेम में घूमकर उन लोगों का पता लगाओ जो वहाँ हो रहे भीभत्स कर्मों के कारण रोते और विलाप करते हैं और उनके मस्तक पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित करो। मैंने उससे दूसरों से यह कहते सुना, इसके पीछे पीछे चलो और सभी निवासियों को दया किए बिना मारो, कोई बचने ना पाए। तुम बूढ़ों नवयुवकों और नवयुवतियों को दूध मुहे बच्चों और स्त्रियों को दया किए बिना मारो, किंतु जिन पर ताव अक्षर का चिन्ह अंकित है उन पर हाथ मत लगाओ। मंदिर से शुरू करो। उन्होंने पहले मंदिर के सामने के बूढ़ों को मार डाला। तब उसने उनसे कहा, मंदिर को अपवित्र करो और प्रांगण को लाशों से भर दो। इसके बाद नगर जाकर लोगों का वध कर दो। तब प्रभु की महिमा मंदिर की दहली से उठकर केरेबो पर उतरी। केरूब पंख फैलाकर मेरे देखते जमीन के ऊपर उठे और पहिए भी उनके साथ चले गए। वे मंदिर के पूर्वी द्वार के पास उतरे और इज़राइल के ईश्वर की महिमा उनके ऊपर विराजमान रही। वे वही प्राणी थे जिन्हें मैंने कबार नदी के पास रहते समय इज़राइल के ईश्वर के नीचे देखा था और तब मैं समझा कि वे केरूब थे। प्रत्येक के 4 मुख और प्रत्येक के 4 पंख थे और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के जैसे हाथ थे। उनके मुख की वही आकृति थी जिसे मैंने कबार के पास देखा था और प्रत्येक अपने सामने सीधे आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। प्रभु के सेवक को स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। धन्य है प्रभु का नाम अभी और अनंत काल तक। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु सभी राष्ट्रों का शासक है, उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे प्रभु ईश्वर के सदृश कौन है? वह उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर दृष्टि रखता है। अनुवाक्य। प्रभु की महिमा आकाश से भी ऊंची है।
जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने मसीह द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और उस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि वह तुम्हारी बात मान जाता है तो तुमने अपने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और दो एक व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि दो या तीन गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसा समझो। मैं तुमसे कह देता हूं, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे यह भी कह देता हूं, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से दो व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा, क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने काइन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? प्रभु ने कहा, तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया जिसे तुमने बहाया है। और सुक्ति ग्रंथ 5:21 के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, प्रभु प्रत्येक के आचरण का निरीक्षण करता और उसके सभी मार्गों की जांच करता है। और संत योहन के सुसमाचार 15:12-13 के द्वारा प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञा यह है कि जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। आगे प्रभु का वचन कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में आपसे कहा कि आज माता कलीसिया संत मैक्सिमिलियन मरिया कोल्बे, एक पैरिश कैथोलिक पुरोहित का त्यौहार मना रही है, जिनका जन्म 8 जनवरी 1894 में पोलैंड रूसी साम्राज्य में हुआ था और उनकी मृत्यु 14 अगस्त 1941 में 47 वर्ष की आयु में हो गई, और वे निष्कलंक कुवारी मरियम की भक्ति को बढ़ावा देने के लिए हमेशा करबंद रहे। उन्होंने बारसा के पास निपोक लानोव मठ की स्थापना की और उनकी देखरेख में एक शोकिया रेडियो स्टेशन संचालित करने और अन्य संगठनों और प्रकाशनों की स्थापना या संचालन में सक्रिय थे। उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन कस्बे वाले पोलैंड में स्थित आश्विटस के जर्मन मृत्यु शिविर में रखा गया और वहां फ्रांसिस जेक गजोनिस जेक नामक व्यक्ति भी उस कैद में था। जब उनके मृत्यु दंड का समय आया, फ्रांसिस जेक विलाप करने लगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे,
वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को याद करते हुए रोने लगा कि उनका क्या होगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। इस प्रकार विलाप करने लगा। मैक्सिमिलियन ने उनको सांत्वना देते हुए उनकी जगह स्वयं मरना स्वीकार किया। और जब मृत्युदंड का समय आया तो वहां पर जितने भी खास करके जो पहरेदार थे उन्होंने देखा कि वे शांत स्वभाव से अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते थे। जब दूसरे कैदी लोग विलाप कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, किंतु संत मैक्सिमिलियन शांत होकर घुटनों के बल हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रार्थना कर रहे थे। और जब उन्हें जब जहरीला इंजेक्शन दिया गया, उन्हें शांत स्वभाव से अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और उस जहरीले इंजेक्शन का जहर स्वीकार किया। हम ऐसे महान व्यक्ति का त्यौहार मना रहे हैं जिन्होंने दूसरों के बदले स्वयं मरना स्वीकार किया। प्रभु कहते हैं कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। वही शिक्षा आज प्रभु देते हैं। प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारा भाई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ, यदि वह नहीं समझता है तो एक दो और व्यक्तियों को लेकर समझाओ, यदि फिर उनसे भी नहीं समझता है तो कलीसिया के सामने उसे प्रकट करो ताकि पूरी कलीसिया मिलकर उसे समझाए। हमें हमारे भाई बहनों की आत्मा का भी ख्याल रखने की हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, प्रभु से कृपा मांगे, प्रभु हमें बल दे कि हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं उनकी भी आत्मा का हम ख्याल करें। यदि कोई गलत रास्ते पर चल रहे हैं या जा रहे हैं, प्रभु हमें कृपा दे कि हम उन्हें उचित रीति से समझा सके, वापस प्रभु के पास ला सके। आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हम तुझे अपनी भेंट अर्पित करते और दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं कि संत मैक्सिमिलियन के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर हम अपना संपूर्ण जीवन तुझे अर्पित करना सीखें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तु उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता। अपने दया के कारण तो हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधर चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों संत मैक्सिमिलियन कोल्बो, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, तो हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास प्रदर्शित उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से तृप्त होकर हम भी संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की भांति उसी प्रेमाग्नि से प्रज्वलित हो जाएं, जिससे वह इस पवित्र भोज को ग्रहण कर उद्दीप्त हुए थे। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को धन्यवाद। सजाएंगे है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप तो तेरा ही, दिन चांद सितारों में ये अर्श भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें अब सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना।